अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज मेरी रेसिपी है करेले कीमे की। ये देखें, करेले मैंने जो हैं वो छील के बीज निकाल के अच्छी तरह नमक लगा के उनको भिगो नमक में रहने दिया काफ़ी देर तक, 2-3 घंटे, और उसके बाद अच्छी तरह से धो के, ये पानी में भीगे हुए आपने देखे थे अभी, अच्छी तरह से धोने के बाद उनको मैंने जो है निचोड़ लिया है, ये निचोड़ रही है, और अब मैंने फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है, ये आप साथ साथ देखते जाएं कि ये मैं कैसे इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ठीक हो गया, इनको इस तरह फ्राई करना है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने प्याज काट के रखा है, ढेर सारा प्याज है ये, और इसके अंदर ऑयल डाल चुकी हूँ। ये वही ऑयल है जो करेलों का था, करेलों में से ऑयल निकाल के मैंने इसमें डाल दिया। करेले अभी भी पैन के अंदर उसी कढ़ाई में वोक में। इसमें अदरक लहसुन आप डाल लें हसबे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत हो। ठीक है, अगर तो आपका कीमा कच्चा है तो फिर तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, अगर पहले से मेरी तरह पका हुआ तो फिर थोड़ी कम ज़रूरत हो सकती है। और ये देखें, हमने हल्दी डाल दी 1 चम्मच, थोड़ा सी नमक डाली है, और बिल्कुल 1-1.5 चम्मच जो है आपने मिर्चों का डालना। मेरे घर ज़्यादा खाई जाती है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। मेरा भुना हुआ कीमा है तो ऑलरेडी थोड़ा पका हुआ है, तो वो थोड़ा सा जो है वही डालना है मुझे इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं 1.5 चम्मच मिर्चों के डाल रही हूँ, इसलिए मेरा अदरक लहसुन थोड़ा कम ही है डला। अच्छा जी, अब हम इसे भूनेंगे थोड़ी देर, थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि अच्छी तरह भुन जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद हम ये जो कढ़ाई में पड़े हुए करेले हैं ये भी अंदर डाल देंगे। इनका ऑयल मैं पहले डाल चुकी हूँ प्याज़ों के साथ, और अब इन करेलों को भी डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा, करेलों को डालने के बाद हल्का सा हमने इनको भूना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी दूध। दूध भी जितना, अगर तो आप सारी टोटल कुकिंग ही दूध के साथ इसकी करना चाहते हैं पानी की बजाय, तो आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप बीच में पानी भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा तो दूध ही डाला है इसमें, लेकिन थोड़ा सा पानी भी डाला मैंने, क्योंकि थोड़ी सी कुकिंग मेरे यहाँ पर ज़्यादा कुक्ड खाते हैं करेले। ठीक है, कच्चे कच्चे नहीं खाते, ज़्यादा खड़े खड़े नहीं खाते, इस वजह से मुझे थोड़ा पानी भी डालना पड़ा। पानी डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को ऊपर रख दिया और मैंने इस पर ये प्रेशर भी लगा दिया। ठीक है, ये देख लें आप, ये प्रेशर इसके ऊपर लग गया और अब ये कुकिंग इसकी शुरू हो गया। अब इसको तब तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए। ये देखें जी, हमने प्रेशर कुकर खोल दिया, गल चुके हैं करेले, अब इनको भुना जा रहा है ताकि अच्छी तरह से ऑयल निकला। ये मेरा भुना हुआ कीमा है जो मैंने इसमें डालना है, और ये मैंने कीमा डाल दिया। अच्छी तरह इसे पकाना है, भूनना है, ताकि जितना भुना जाएगा उतने ही करेले मज़ेदार हो जाएंगे। जितना ऑयल निकल सकता है भुना जा सकता है, बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल दूध जिसमें भी पकाया आपने वो ना हो, अच्छी तरह भुने हुए जब हो जाएगा ये सालन, तो ये बहुत टेस्टी हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा सालन तो फुल भुन गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्चें। ठीक है, ये मैंने हरी मिर्चें इसमें रख दी, और इसके बाद हम ढक्कन बंद कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।